गाइस, अगर आप एक सीएससी वैली है, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, अगर आप ना पीएमजी दिशा में आप काम करते हैं और यहाँ पर ना आपने स्टूडेंट के एग्जाम दिलवाए हैं पीएमजी दिशा में, अगर आपने अभी तक अपना पंचायत डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है तो यहाँ पर ना पंचायत डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। अगर आप ना 31 अक्टूबर के पहले आप यहाँ पर अपलोड नहीं करते हैं तो यहाँ पर हो सकता है आपके ऊपर कार्यवाही भी की जाए। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से ना पंचायत डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इस प्रकार से ना आपको पंचायत डॉक्यूमेंट्स बनाना, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों ना पीएमजी दिशा में आप लॉगिन हो जाते हैं, जैसे ही ना यहां पर आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड खोल के आ जाएगा। तो यहां पर आप जैसा कि देख रहे हैं, डियर वैली प्लीज अपलोड पंचायत डॉक्यूमेंट V4 31 अक्टूबर 2022 सेंटर विथ इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट पंचायत डॉक्यूमेंट विल बी लेवल 4 स्टेक एक्शन। अगर आप एक सीएससी वैली है, यदि आपने अभी तक पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया तो आपको 31 अक्टूबर 2022 से पहले आपको पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेना। यदि आपने यहाँ पर अपूर्ण या गलत पंचायत के दस्तावेज यहाँ पर अपलोड करते हैं तो यहाँ पर ना केंद्र के सख्त कार्यवाही के लिए उत्तरदायी यहाँ पर स्वयं वैली होंगे। अगर आपने यहाँ पर कोई गलत इन्फॉर्मेशन गलत अपलोड करते हैं यहाँ पर, तो इसके ऊपर आपके ऊपर कार्यवाही भी यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से ना पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर स्टूडेंट्स के एग्जाम दिलवाए और वह जितने भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं तो उन सबके यहाँ पर अपलोड चाहिए, पंचायत के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड होना चाहिए। यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, एक सर्विस मिल जाती है अपलोड पंचायत डॉक्यूमेंट्स की। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं तो यहाँ पर ना आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर एक फॉर्म आपको यहाँ पर चाहिए। तो वह फॉर्म आपको यहाँ पर किस प्रकार से मिलेगा, तो सिंपली यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर डाउनलोड टेम्पलेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको ना यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे ना आप यहाँ पर आप क्लिक कर देते तो यहाँ पर ना पंचायत अप्रूवल फॉर न्यू PDF फॉर्म आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, यह ना पीएमजी दिशा पंचायत अप्रूवल फॉर्म है, यह ना सभी सीएससी वैली को ना अपलोड करना अनिवार्य है। अगर कोई सीएससी वैली है पीएमजी दिशा में काम करता है, अगर स्टूडेंट का एग्जाम दिलवाए हैं और वह स्टूडेंट पास हो गए हैं तो यहाँ पर ना पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना अनिवार्य। तो दोस्तों आपको ना इस फॉर्म को ना आपको एक प्रिंट निकाल लेना है और यहाँ पर ना आप जैसे कि देख रहे हैं तो यहाँ पर ना सेंटर सीएससी आईडी आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर ना जितने भी स्टूडेंट पास हुए हैं तो इन सब की लिस्ट में आपको यहाँ पर नाम डालना है। यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे तो यहाँ पर आपको क्रमांक डालना और यहाँ पर ना बेनिफिकेशरी नाम डालना, स्टूडेंट का नाम डालना और यहाँ पर आपको स्टूडेंट के फादर्स का नाम डालना यानी पिताजी का नाम डालना और यहाँ पर ना मदर्स नाम तो यानी स्टूडेंट के माता का नाम यहाँ पर आपको डालना और यहाँ पर ना कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर डालना और यहाँ पर ना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना SC ST OBC जो भी हो जनरल तो आपको यहाँ पर डालना और यहाँ पर ना विलेज नाम डालना और यहाँ पर आपको पंचायत का नाम डाल लेना है, जिस पंचायत में आपकी आईडी जहाँ से हो तो आपको यहाँ पर पंचायत का नाम डाल लेना और जितने भी स्टूडेंट ना आपके यहाँ से आपके सेंटर से पास हुए हैं पीएमजी दिशा में तो उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर बना लेना। जितने भी पास हुए हैं तो उन सबके स्टूडेंट के आपको यहाँ पर नाम डाल लेना, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है यानी फॉर्म में भर लेनी। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं सिग्नेचर ऑफ पंचायत मुखिया तहसीलदार, तो यहाँ पर आप जो है अपने पंचायत के मुखिया जो सरपंच होते हैं तो आपकी यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, उनकी सील लगेगी यहाँ पर और नाम डेट और वेन्यू, तो आपको ना यहाँ पर उनके सिग्नेचर करवाना की सील लगेगी यानी सरपंच के हस्ताक्षर होंगे यहाँ पर सील लगेगी। तो यही डॉक्यूमेंट्स है जो ना आपको यहाँ पर पंचायत से बनवा लेना, सील लगवा लेना और आपको यहाँ पर फॉर्म को किस प्रकार से आपको यहाँ पर अपलोड करना। जैसे ही ना आप इस फॉर्म को फिल कर लेते हैं तो आपको बैक आ जाना अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर, आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आ जाना और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर ब्राउज में आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर ब्राउज में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपका जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट्स हो, जो भी आपने प्रिंट निकाला हुआ था फॉर्म भरा था, तो सिंपली आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आपको ओपन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जैसे ना ओपन क्लिक कर देते तो आपके फाइल्स यहाँ पर आ जाएगी। हालांकि मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे ही ना आप फॉर्म को सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है तो यहाँ से ना आपका पंचायत का डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपलोड हो जाएगा। तो आपको ना इसी प्रकार से ना डॉक्यूमेंट्स को
अपलोड करना। अगर आप अपलोड नहीं करते तो या फिर आपका पीएमजी जैसा का पेमेंट ना, यानी कुछ भी हो सकता है, तो आपको ना पंचायत का डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आती है तो आप ना मुझसे नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूँ। आई होप गाइज आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। गाइज वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपको ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी।